हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप वॉइस चेक कर लें क्या प्रॉपर वॉइस आप तक पहुंच रही है। आप सभी का स्वागत है महावीर क्लासेस में। आज हम थंबनेल आपने देखा ही होगा, हम चर्चा करने वाले हैं हमारे पेपर सेट 1, 2 और 3 की। क्या पेपर इजी रहा, मॉडरेट रहा, टफ रहा, एनसीईआरटी से बाहर गया या एनसीईआरटी से ही आया है, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर कर दें भाई। और हमारे साथ हैं पुष्परा सर। सर प्लीज आइए सर। पीजीटी केमिस्ट्री सर, कैसा रहा पेपर आप बताइए। पेपर सर बहुत ही बढ़िया रहा, केमिस्ट्री के पेपर, बायो का सारे क्वेश्चंस जो थे जो हम लोग डेली क्लास में पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी से लगभग 90% पूरा कवर हुआ क्वेश्चन। जैसा सर ने कहा कि एनसीईआरटी से, देखो कई बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी से एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं बाय साइड कर देते हैं और फालतू की यहाँ वहां की बुक पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एनसीईआरटी को पूरा प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, आपसे पेपर जरूर बना होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए कि कितने लोगों का पेपर बहुत शानदार गया है, प्लीज कमेंट करें। चलिए तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर, हम एक एक करके अपन पेपर को डिस्कस करते हैं, जिसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का पोर्शन होगा। बायोलॉजी की मैम हमारे साथ नहीं है तो उसमें बायोलॉजी का मैं आपसे पूछता जाऊंगा, पुष्पराज सर भी आपकी हेल्प करेंगे। चलिए तो सबसे पहला जो पोर्शन रहा है, मैं थोड़ा सा फोन आपके कमेंट्स देखने के लिए फोन लिया हूं। जो भी कमेंट्स हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टिक करते जाइएगा। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट एक्स वाई जेड मस्ट बी। सर आइए सर, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, हमारे बच्चों के काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं। सर बहुत बढ़िया गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। देखिए केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी लेड के साथ, दी थी आपके सिलेबस में लेड नाइट्रेट के साथ। अभी यहाँ पर जिंक नाइट्रेट के साथ आई, जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन आपने पढ़ी थी तो वहां पर हम लोग पढ़ते थे पीबी NO3 का ट्वाइस लेते थे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे और इसको थर्मल डिकम्पोज करते थे, यहां पे बनता था लेड ऑक्साइड 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। एक क्वेश्चन में पूछा था ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहां एक्स और वाई और जेड, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा 2, 2, 4। आपका मींस इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन है 2, 2, 4। जिन बच्चों ने भी सी ऑप्शन लगाया उनका सबका सही है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सभी को रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन पता है, इन विच रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि रिडॉक्स रिएक्शन तो होगी बट कॉम्बिनेशन ना हो, तो सिंपल सा आंसर था कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो भी उनको बाय कट करना था, ये जो है आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो ये आंसर तो नहीं हो सकता आपका, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिस भी रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बन रहा था इसका आंसर होगा आपका डी आंसर। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है, फेरिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन था बट कार्बन ने इस ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीजन इससे ले लिया, इसको रिड्यूस कर दिया और आयरन बन गया इसमें, तो ये आपका आंसर होगा डी। अगर आपका ऑप्शन सही है तो आप कमेंट करते जाइए कि आपने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। सभी को पता है, बहुत सड़ा सा क्वेश्चन है, कहा जाए तो आप बिना पढ़े 8th-7th क्लास के ही बच्चों को पता होता है कि जो सॉल्ट टूथपेस्ट होता है उसमें जो सॉल्ट होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सभी को पता है सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसका पीएच 7 होता है, और यदि इसका सॉल्यूशन रेन वाटर के साथ बनाता तो हम वहां पर बोल सकते थे, वी कैन से दैट की सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, बट यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है आपका वो सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर के साथ बना, और डिस्टिल वाटर के साथ बना मीन्स इसका जो पीएच होगा वो 7 होगा, न्यूट्रल बनेगा यहाँ पर सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस
वेयर एक्स इज हीटेड विथ ऑक्सीजन, सभी को पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, थर्माइट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब जो एक्स है, एक्स अपना क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, जो एक्स होगा आपका, एक्स हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, तो एक्स होगा आपका एल्यूमिनियम। तो सब देखने का करना, मार्कर यूज करना, ठीक। तो एक्स हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम और वाई के प्लेस पे आ जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है आपकी, एल्यूमिनियम एक्स के प्लेस पे, वाई के प्लेस पे आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो का, द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर होगा ट्रांसलोकेशन। जिसने भी डी ऑप्शन लगाया उसको करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन समवन्स हैंड टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका ये, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर होगा, कि जब भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस होते हैं रिसेप्टर्स इन स्किन, सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर इसके बाद रिले न्यूरॉन्स, मोटर्स न्यूरॉन्स, इफेक्ट मसल्स इन आर्म्स, इसके वे प्रोसेस। इसका जो आंसर आएगा आपका वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सेंस ऑर्गन्स इन विच ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, दैट इज द नोज, इसका आंसर जो होगा ए होगा। जिनका जिनका भी सही है कमेंट करते जाएं, लिखते जाएं कि हाँ सर हमने इतने, लास्ट में भी आपको लिखना है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है असर्शन रीजन है कितने किसके सही है, ये आपको लास्ट में लिखना है सभी के, किसके कितने सही गए। इसका आंसर हो जाएगा आपका नोज। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इसके से रिलेटेड पूछा है इसमें, तो इट इज आर डिस एम्बेडेड इन द न्यू यूट्राइन वॉल, बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स विलाई, नहीं ये गलत है, विलाई नहीं, आपकी इनर वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है, इसमें विली प्रेजेंट नहीं होती। तो जो बी ऑप्शन है आपका, ये बी ऑप्शन इसका गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बी लगाना था, बी आपका जो आंसर है इसमें सही जाएगा। इसके बाद है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपने पढ़ा है, हेटरोट्रॉफिक की कैटेगरी में आता, तो जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, कि जो ब्रेड होता है इसका एग्जांपल, तो ब्रेड के ब्रेड के ऊपर जो म्यूकर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स बनते हैं ब्रेड के ऊपर, और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर रहेगी और न्यूट्रिएंट मिलता है उसको ब्रेड से, तभी ये आपके स्पोर्स बनते हैं म्यूकर के। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा अपना ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकेंड जो है ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। जितने लोगों ने सही किया है वो कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आंसर ये वाला जो है गलत हो गया। अब ये बताएं भाई फिजिक्स का कितने लोग सही करके आए हैं, फिजिक्स का बहुत ही शानदार पोर्शन यहाँ पे फिजिक्स का पूछा गया है, हम चर्चा करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद द ब्लैक पेपर, मतलब हम बात ये करने वाले हैं कि जैसे आपके पास सपोज एक कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इस कॉन्वेक्स लेंस को हम ऊपर के पार्ट को क्या कर दें, एक ब्लैक पेपर से इस तरीके से अगर हम आधा रैप कर दें तो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा। तो आपने देखा है कि ब्राइटनेस जो इमेज होगी, ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल बी रिड्यूस, मतलब इमेज की जो ब्राइटनेस होती है बेटा वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर सही किया होगा, और मैं अभी जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपको एनसीईआरटी के थ्रू ही जाना है, और जितने भी एग्जाम बचे हैं, जितने भी पेपर बचे हैं, एनसीईआरटी को फोकस करिए, एनसीईआरटी से काफी कुछ चीजें यहां से पूछी जाएंगी। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, बहुत बढ़िया, रेनबो में कौन सी चीज होती है, तो सबसे पहले तो भाई रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन के बाद क्या होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मैं थोड़ा सा बना के भी आपको दिखा दूं, मैं यहां पे आपको बना के भी दिखा रहा हूं कि जैसे ये वॉटर ड्रॉप है, अब वॉटर ड्रॉप से क्या जा रहा है भाई, एक सनलाइट की रेज जा रही है, तो रेज जाएगी तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा यहां पे आपका
यहां से डिस्पर्शन होगा, फिर इसका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पे करेक्ट बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। कितने लोग यहां पे बी ऑप्शन सही लगा के आए हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से यहां पे आप आंसर करिएगा। बहुत ही शानदार पेपर। द कलर ऑफ लाइट ऑन विच द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम, यहां पे बच्चे फंसे होंगे। आंसर रेड है कि वॉयलेट है, इसमें कंफ्यूज हुए होंगे भाई। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम किसके लिए, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो कह सकते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है भाई, जल्दी से कमेंट करो, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा ना, इसलिए तो वो लीस्ट डेविएट होता है, जितना कम डेविएट होता है और मतलब उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा ना भाई, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उतना ही कम हो जाएगा ना। तो रेड विल बी द राइट आंसर। द करेक्ट डिवाइस प्रोड्यूस बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट सिमिलर टू द वायर मैग्नेट, बार 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 आपको ये खींची समझाई गई है कि द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू द वायर मैग्नेट, तो हो जाएगा सोलेनॉइड। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखाता हूं कि जो सोलेनॉइड होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि जब हम सिलेंड्रिकल कह सकते हैं सॉफ्ट आयरन कोर पे इस तरीके से कह सकते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर को बाउंड करते हैं और उस पर हम एक कांस्टेंट पावर सप्लाई यहां पे देते हैं एक स्विच के थ्रू, तो ये क्या बन जाता है, एक सोलेनॉइड फॉर्म हो जाता है। और सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करती हैं। ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, सोलेनॉइड हो जाएगा। करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन काफी लोगों का कमेंट था, जैसे कि वो पूछ भी रहे थे कि सर इसका प्रॉपर आंसर बताइए। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कितने लोगों ने पढ़ा है, जल्दी से बताएं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कितने लोगों ने पढ़ा है, जल्दी से बताइएगा। क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जैसे ये सपोज मान लो मेरा लेफ्ट हैंड है, इसको इस तरीके से स्ट्रेच करें कि इसका जो मिडिल फिंगर है, फोर फिंगर है और थंब है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। और अगर यहां पे अगर हम बात करें किसकी, मिडिल फिंगर की, ये किसकी डायरेक्शन को शो करता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो ये क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन को। तो यहां पे क्या होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज इनटू द प्लेन, यहां पे दो चीजों की, इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में पूछा गया था। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करेगा इनसाइड द सॉरी आउट, यहां पे ये डी ऑप्शन विल बी द राइट, क्योंकि यहां पे क्या की बात कर रहे, करंट, तो ये इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना, तो यहां से अपवर्ड हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर इसको लगाया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट नेचुरल इकोसिस्टम, तो पॉन्ड, इसका आंसर क्या होगा भाई, पॉन्ड, क्यों, क्योंकि तालाब को हम खुद बनाते हैं ना, तालाब को हम खुद बनाते हैं ना भाई, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं होगा। प्रियंदा बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत ही शानदार यहां पे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे असर्शन रीजन, आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, पहला आप सभी को पता है कि असर्शन ए एंड आर, बोथ आर ट्रू, बट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और वहीं दूसरे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन क्या लगाना होता है कि ए ट्रू रीजन फॉल्स, और नेक्स्ट लगाना होता है ए फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो अब बताइए पहला, सर यहां पे कंटिन्यू करेंगे, देखिए यहाँ पे assertion था सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्थी, बिल्कुल सही बात है कि वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए हेल्थ होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए हेल्थी होते हैं। रीजन, वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन, ये भी बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये दोनों में ही वेजिटेबल ऑयल की प्रॉपर्टी बताया है, जो रीजन कहा जाए तो रीजन नहीं एक्सप्लेन किया, इसका मतलब कि क्या हुआ, ये जो आंसर होगा आपका आंसर में आ जाएगा assertion इज ट्रू और रीजन भी ट्रू है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन जो आएगा आपका बी आएगा, assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट उसका एक्सप्लेनेशन है assertion का, रीजन नहीं है, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा आपका बी आएगा, जिसने भी बी लगाया बहुत सही है और सभी का आंसर सही है बी वालों को, और जिसने बी नहीं लगाया वो देखें आगे की तरफ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक। इसके बाद देखें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर है आपका 18, और 18 जो क्वेश्चन है इसमें बोला हुआ है सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर मदर, एकदम बिल्कुल बात सही के,
देखें सेक्स ऑफ द चिल्ड्रंस विल बी डिटरमाइंड बाय द व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम द मदर, है ना। 18 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन की बात किया है, तो इसमें एसर्शन जो है आपका ये फॉल्स है, मदर से नहीं आया, किससे आएगा आपका, फादर से आता। और वुमेन्स हैव एक्सएक्स सेक्स क्रोमोसोम, तो वुमेन्स के पास एक्सएक्स क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल सही बात है ना। वुमेन्स में जो क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है, एक्सएक्स। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा 18 नंबर क्वेश्चन का, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा आपका डी आएगा, इसका जो आंसर है आपका वो डी आंसर है, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसका आंसर जो आगे आपका डी आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी सभी से बन गया होगा। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, सही बात है कि जो ओजोन लेयर होती है तो जो भी आपकी हार्मफुल रेडिएशन आती है उससे प्रोटेक्ट करती है। क्लोरोफ्लोरो सीएफसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, और भी इसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो सीएफसी लिखा ये भी रिस्पॉन्सिबल। तो एसर्शन और जो रीजन है आपका ये दोनों ही बातें यहां पर सही है, मतलब इसका आंसर जो आएगा आपका ए ऑप्शन आएगा, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे आप नोट करें, कमेंट बताएं कि कितने सही गए आपके आउट ऑफ 20 में, ठीक है। अच्छा बताइए 19 का क्या लगाया आप लोगों ने, 19 का क्या आंसर आप लोगों ने लगाया, जल्दी से बताओ, क्योंकि ये काफी शानदार क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर, बहुत बढ़िया मूव करता है, बिल्कुल सही है। और वहीं अगर हम बात करें कि अ ड्राई सेल मेंटेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, तो ड्राई सेल में होते हैं आप, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, इसलिए तो करंट फ्लो होता है उसमें। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 20 में से कितने सही करे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। तो पुष्परा सर बताएंगे कि किस तरीके से इसका आंसर आप लोगों ने लिखा है, और आप लोग भी कमेंट करते जाइएगा। देखें केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला हुआ था और लैब में परफॉर्म भी कराया है एक्टिविटी को, मैंने लैब में भी परफॉर्म कराया था एक्टिविटी आपको। कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ बर्नर, नेम द प्रोडक्ट, मैंने पहले बताया था आपको, कराया भी था आपको क्लास में, लैब वगैरह में ले जाके सबको कराया हुआ था कि कॉपर पाउडर को लेना है हमें, और कॉपर पाउडर को लेने के बाद कॉपर पाउडर ले लिया, इसको जब हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और यहां परफॉर्म करता है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, जिसका ब्लैक कलर का पाउडर बनता है। कॉपर जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे बर्नर के ऊपर चाइना डिश में रख के, तो एक कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा जो ब्लैक कलर का होता। तो जिसने भी ये रिएक्शन लिख के और आंसर लिखा है तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, और जिसने एक्सप्लेनेशन बस दिया है रिएक्शन नहीं लिखा तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको पूरा लिखना था। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन था, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको यहां पर आई थी, बेरियम क्लोराइड जो है BaCl2+ किसके साथ रिएक्ट करना था, सोडियम सल्फेट के साथ, मींस सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 ये फॉर्मूला है इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे बेरियम जो है, जो बेरियम आएगा आपका, बेरियम जो होगा सोडियम के साथ यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, है ना, बेरियम जो होगा आपका सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पे बना लेगा आपका बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था, दोनों इजी थे, ए और ऑप्शन में जो बी था दोनों ही इजी थे, दोनों में नहीं कह सकते कि कोई क्वेश्चन जो है था टफ था, दोनों बहुत आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट बोला था द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली लो एंड दे आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स, ठीक है, लार्जली नॉन कंडक्टर्स होते हैं, दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट टू कंक्लूजन बेस्ड ऑन दीज टू प्रॉपर्टीज। तो सभी को मालूम है जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से जो उनका इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री नहीं रहता, फ्री नहीं होने की वजह से फ्लो नहीं होता, तो इसलिए आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। टू नेचर बनाना बताना था, टू प्रॉपर्टीज लिखनी थी, तो एक आप लिख सकते थे इसमें वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सेकेंड आप लिख सकते थे
टेट्रावेलेंट ऑफ कार्बन मीन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को बता सकते हैं कि केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं टेट्रावेलेंट होने की वजह से, और इस वजह से इनका जो प्रॉपर्टी जो होती है मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये रीजन था इसका, आप इसको लिखना था आपको आंसर में। 23rd क्वेश्चन है आपका, बायो से रिलेटेड है। समटाइम व्हाइल रनिंग द एथलीट सफर फ्रॉम मसल्स कैंपस। तो आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन आपका जब रनिंग करते होते हैं तो उस टाइम पे कौन सा ग्लूकोज या मतलब कौन सी ऑक्सीजन यूज होती है रेस्पिरेशन में, तो उससे रिलेटेड था ये आंसर आपको, इस यहां पर करना था उसी से रिलेटेड था आपका ये क्वेश्चन। राइट द अदर नेम गिव टू लिम्फ स्टेट इट्स टू फंक्शन। लिम्फ का जो दूसरा नाम है इसका क्या अदर नेम वो लिखना था और दो फंक्शन लिखने थे। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यहां पर, कोई भी क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं किया कि घुमा दिया हो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन इसको दे दिया है। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम एंड पूछा हुआ है डिफर इन द मैनर इन विच दे रिप्रोड्यूस नेम द एक्सप्लेन। मैंने बोला था बच्चों को जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि इनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था क्लास में, एक बताया था मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बोला था जितने भी रिप्रोडक्शन आपके सिलेबस में सभी के एग्जाम्पल पढ़ के जाएं, एग्जाम्पल पढ़ के जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर बन जाएगा। तो जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा एग्जाम्पल के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो बन गया होगा। द हीट प्रोड्यूस एट पॉइंट ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट बाई अ कॉन्वेक्स लेंस। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसको आपको बताएंगे भगवान जी सर है हमारे साथ, तो फिजिक्स के क्वेश्चन सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आया है, द हीट प्रोड्यूस एट द पॉइंट ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सनलाइट बाय द कॉन्वेक्स लेंस वर्न्स अ पेपर, एक्सप्लेन व्हाई इट इज हैपेंड। भाई इसलिए होता है क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस बहुत सारी एनर्जी को क्या करता है एक जगह पे पॉइंट कर देता है, और एक जगह पे जब पॉइंट करेगा बहुत सारी सनलाइट को, जब हम पैरेलली उस पे एमिट कराएंगे तो जब सन से यहाँ पे लाइट आएगी तो क्या होगा बहुत सारा, तो एक जगह पे क्या होगी बहुत सारी लाइट आ जाएगी, तो इसलिए क्या कर देगा इसको वर्न कर देगा। ठीक है, ये हो गया। नेम द टर्म इन विच कॉन्टेक्स ऑफ द लेंस यूज्ड, गिव द पॉइंट इन विच द पेपर स्टार्ट वर्निंग, व्हाट डज द वर्निंग स्पेक्ट फॉर्म। तो जो वर्निंग स्पॉट होगा, बड़ा ही शानदार यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वो क्या होगा आपका फोकस होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है कि अगर हम किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलली लाइट को इमिट करते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट गोज फ्रॉम अ पॉइंट एंड विच इज कॉल्ड फोकस। तो ये कहां पे इंसिडेंट करेगी, फोकस पे इंसिडेंट करेगी। बढ़िया सा डायग्राम बना के आ जाते और बढ़िया पूरे नंबर मिल जाते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500। मतलब भाई सीबीएसई को इससे सड़ा क्वेश्चन नहीं मिला क्या? इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर एक आया कौन सा, इतना इजी सा क्वेश्चन आया। तो आई होप कि आप लोगों ने सभी ने सही किया होगा। इन्हें क्या कहा है, द इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलाम। मतलब क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 500 कूलाम दी है। चलिए, इफ द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी है 25 मिली, मिली को अगर हम उसमें चेंज करेंगे तो -3 एम्पियर आ जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें फाइंड द टाइम एट विच, तो फॉर्मूला सब जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी। सो टी इज इक्वल टू क्या होगा क्यू अपॉन आई, वैल्यू पुट कर दोगे 500 अपॉन 2, तो यहां से टाइम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, सॉल्व करके आंसर निकल आएगा। और आई होप कि आप सभी ने ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया होगा और डेफिनेटली क्या होगा काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री का है, सर समझाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का फिर से आया हुआ है यहाँ पर, और ये जो क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड। मैंने पहले भी बोला था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कम से कम 5 से 6 नंबर हर बार, मतलब मैं इतने साल से देख रहा हूँ, 8-10 साल से पेपर को देख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कम से कम 5 से 7 नंबर आपका कवर करता है। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एमसीक्यू में एक निकल गया और यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आया हुआ है। इसमें एक बुक का है एनसीईआरटी का, एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में, आपको सेम टू सेम डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में। आयरन नेल्स को इसके अंदर डिप करके रखा हुआ है ना, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है यहां पर, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेने के बाद है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन में Fe मींस आयरन नेल्स को डिप करके रखा है।
ठीक है, इसको आयरन नेल्स में डिप करके रखा हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, तो Fe को जब इसके अंदर डिप करके रखा हुआ है तो आपको पता है कि आयरन इज हाई रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। आयरन क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा कॉपर को और यहां पे बनाएगा आपका FeSO4 और जो कॉपर है आपका सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा सॉल्यूशन से। दूसरी बात, इसमें आपको कलर का ऑब्जर्वेशन बोला था, तो सभी को मालूम है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू सॉल्यूशन होता है, इसका ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है, और जब इसके बाद इसमें आयरन नेल्स को डिप करते हैं तो आयरन नेल्स को डिप करने के बाद इसका जो कलर होता है ब्लू से आपका ग्रीन होते जाता है, लाइट फेड हो जाएगा, एकदम कलर लाइट कलर हो जाएगा, और बहुत देर तक यदि रखे रहने दें तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा। इस एक्टिविटी को भी हमने लैब में कराया हुआ आप लोगों का, और बन गया होगा आपसे सभी से क्वेश्चन। देखते हैं 3 मार्क्स में नेक्स्ट क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कल ही मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया था कुछ डाउट, तो उसमें बताया था कि आपको जो ओर्स है ओर्स से क्वेश्चन करना, नेम द ओर्स ऑफ मरकरी, तो सबसे पहले आपको मरकरी के ओर्स का नाम लिखना था जो होता है सिनेबार। हमारे सिलेबस में कुछ ही मेटल का एक्सट्रैक्शन था जिसमें से मरकरी था, और मरकरी का जो ओर्स होता है उसका नाम है आपका सिनेबार, जिसका फॉर्मूला होता है आपका HgS। ठीक है, तो सिनेबार लिखना था नाम, फिर लिखना था स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज फाउंड इन नेचर, नेचर में किस फॉर्म में मिलता है उसका स्टेट बताना था। राइट द केमिकल इक्वेशंस आल्सो अलोंग विद द कंडीशंस रिक्वायर्ड। अब देखो इसके लिए कंडीशंस कौन से रिक्वायर्ड होंगी, हमने पढ़ा हुआ कि जो भी सल्फाइड ओर्स होते हैं तो सल्फाइड ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें रोस्टिंग वाली जो प्रोसेस है उसकी जरूरत पड़ती है ना, तो रोस्टिंग करना, तो सबसे पहले रोस्टिंग की प्रोसेस बता के रखिए क्या होती है, कि जब हम सल्फाइड ओर्स को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तब रोस्टिंग होती है, और रोस्टिंग में जो सल्फाइड ओर्स है ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये बना लेगा यहां पर आके आपका HgO। जब ऑक्साइड ओर्स बन जाता है, सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसका हम रिड्यूसिंग, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसके लिए, तो रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करा के इसका रिडक्शन कराते हैं और फाइनली हमें मरकरी मिल जाता है। तो आपको 3 स्टेप में रिएक्शन लिखनी थी, 1 स्टेप में रोस्टिंग की लिखनी थी, 2nd स्टेप में ऑक्साइड को आपको रिड्यूस करा देना था, ऑक्सीजन निकाल देना था तो मर्क्यूरी बन जाता, और आपको इस प्रोसेस का नाम बता देना था, बस इतना करना था। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी में सब दिया, पूरा आपका पेपर जो वाला है 100% एनसीईआरटी को कवर किया हुआ है। इसके बाद बायो का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, मेंडल्स लॉ से रिलेटेड, ये भी बताया हुआ है कि F1 जनरेशन F2 जनरेशन किसमें कुछ करेक्टर डोमिनेट कर जाते हैं, किस कौन सी जनरेशन में कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं, ये सारी चीजों को आपको यदि पता था तो ये आंसर जो था ये बन गया होगा सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो इसका आंसर आपको फिजिक्स के सर है हमारे साथ भगवान जी सर, तो एक्सप्लेन करेंगे ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आया है आपके डिफेक्ट से, डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। तो सबको पता होगा कि जब लाइट रे सीधी पास होती है और अगर बिहाइंड द मिरर फॉर्म करते हैं तो उसको हम मायोपिया कहते हैं, मायोपिया फॉर्म होता है, और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं। सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ 2 कॉजेस ऑफ दिस इफेक्ट, क्या कारण होता है, तो एलोंगेट हो जाना, क्या हो जाता है एलोंगेट, आई बॉल क्या हो जाती है एलोंगेट हो जाती है, और कह सकते हैं डिमिनिश्ड हो जाता है, तो जिससे कि इमेज जो होती है वो कहाँ फॉर्म होने लगती है, पीछे फॉर्म होने लगती है। किससे, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, तो यूजिंग कॉनकेव लेंस हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है ना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट आपसे बनी गया होगा कि जब हम प्रिज्म में से लाइट को पास कराते हैं तो क्या करता है प्रिज्म, 7 कलर में स्प्लिट कर देता है लाइट को, कितने कलर्स में, 7 कलर में स्प्लिट कर देता है लाइट को, और ये 7 कलर जो होते हैं इसको हम विवग्योर बोलते हैं, जिसको हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। ड्रॉ द डायग्राम शो द डिस्पर्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट, बढ़िया सा शानदार सा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था। व्हाट हैपेंड व्हेन द बंडल ऑफ वायर्स इज सॉफ्ट आयरन, तो ये इसको हम क्या कह देते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इन्हें कहा नेम द डिवाइस, कौन सी डिवाइस है, तो इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या बोला जाएगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर में जब नंबर ऑफ आयरन्स को कह सकते हैं वायर को बाउंड करेंगे तो उसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी उसके अराउंड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसलिए तो उसको हम मैग्नेट
कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, और जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे उसमें उसकी प्रॉपर्टी जो होगी मैग्नेटिज्म की, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड का अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ होती है, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें तो यहां से ये फूड चेन बायो का बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ गया था, फ्यू क्रिस्टल फेरस सल्फेट, ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। आई होप कि आप सभी ने कर भी लिया होगा और सर समझाएंगे इसको किस तरीके से यहाँ पे करना था। देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हमने बताया हुआ है सभी को, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फेरस सल्फेट जो भी फेरस सल्फेट होता है FeSO4 FeSO4 जो फेरस सल्फेट होता है इसके साथ आपने देखा जब क्रिस्टलाइजेशन वाली बात करते हैं 7H2O होता है, जिसको ये फॉर्मूला याद है उसको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने लैब में केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट को लेके बर्नर में हीट भी करा के दिखाया था आपको, जब हमने उसको हीट किया था तो उसमें से वाटर की ड्रॉपलेट टेस्ट ट्यूब के अराउंड में आ गई थी चारों तरफ। कहां से आई थी? हमने तो ये जो पाउडर लिया था फेरस सल्फेट का सूखा पाउडर लिया, ड्राई पाउडर यूज किया था, ये जो वाटर की ड्रॉपलेट आई थी ये क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में इस फेरस सल्फेट के साथ रहता है वहां से आई थी, मैंने उस टाइम पे एक्सप्लेन किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था फ्रॉम वेयर डिड दीज वाटर ड्रॉपलेट अपीयर, एक्सप्लेन आपको एक्सप्लेन करना था कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में फेरस सल्फेट में प्रेजेंट रहते हैं और जब हम उसको टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अराउंड पूरे उसके माउथ तक वाटर की ड्रॉपलेट आ जाती, तो फेरस सल्फेट से आई थी आपकी वाटर की ड्रॉपलेट। व्हाट कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीटिंग, मैंने आपको बताया जब हीट करेंगे तो जो कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का होता है वो आपका व्हाइट कलर हो जाता है, मीन्स कलरलेस हो जाता है, बिकॉज रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यदि हम अगेन उसमें वाटर मॉलिक्यूल को फिर से ऐड कर दे फिर से उसका कलर फिर से ग्रीन में आ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते थे तो फिर से उसका ग्रीन कलर आता था। ये सारी चीजों को हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ एक्सपेरिमेंटली। थर्ड क्वेश्चन था हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड पर, मैंने बता दिया एक फेरस सल्फेट मॉलिक्यूल में 7H2O मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का पढ़ाया था कि CuSO4 में 5H2O प्रेजेंट होते हैं, वॉशिंग सोडा Na2SO4 में 10H2O प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब के सब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट था स्टेट हाउ इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेंड फ्रॉम जिप्सम, अब सभी को मालूम है कि जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता CaSO4.2H2O, जिप्सम में वाटर के टू मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज रहते हैं, जब इसको हम हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4.5H2O और साथ में फिर से इसमें हम लोग लिखते थे यहां पर 3/2H2O, इस तरह से हम जब जिप्सम को हीट करेंगे। मेन यहां पर इंपॉर्टेंट है आपको टेम्परेचर बताना कि कितने डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, और यदि केल्विन की बात करेंगे तो 373 डिग्री केल्विन पे हीट करेंगे। दोनों ही चीजें एनसीईआरटी में आपकी बताई गई हैं, दोनों टेम्परेचर को लेकर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस आंसर को। इसी के ऑप्शन में था नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन में दिया हुआ था इसी में भी दिया था राइट द कॉमन नेम्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाई, तो मुझे लग रहा है इससे ज्यादा आसान आपको वाला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था तो आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया होगा, इसे भी ज्यादा टफ एक क्वेश्चन नहीं बट इससे कहीं ज्यादा आसान क्वेश्चन हो है आपका। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, तो आपने देख लिया होगा फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, इसमें लाइम वाटर है और यहां से हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो इसका जो कलर आता है मिल्की कलर हो जाता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका, मिल्की कलर ऑब्टेन होता है यहां पर हमें। फिर ये फिजिक्स का क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आपका, तो फिजिक्स का क्वेश्चन देख लिए सर बता रहे हैं, हमारे सर भगवान जी सर है साथ में तो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो भाई बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू है ना, व्हाइल द रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट चेंज विल बी द ऑब्जर्व्ड इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट।
नेम द स्टेट एंड लॉ विच हेल्प्स द आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो बड़ा ही सिंपल सा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द सर्किट इज डिक्रीज वन थर्ड, मतलब इनिशियल पोटेंशियल ले लिया होगा आपने उसका वन थर्ड करके, यहाँ पे इन्हें कहा व्हाइल द रेजिस्टेंस रिमेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस दोनों में सेम रखा होगा तो व्हाट विल बी द चेंज, तो यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया होगा। वहीं अगर यहाँ पे दूसरा देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ड्रॉ द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी है 1.5 वोल्ट। वहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो 3 रजिस्टर थे 5, 10 और 15 के, ये कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो सीरीज में होते हैं तो 10 और 5 15 और 15 30, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, 30 ओम आ जाएगा है ना सीरीज में। नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, तो करंट होता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे 1.5, यहाँ पे आ जाएगा 30, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, तो 10 के अक्रॉस यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा आई आर, करंट सब में सेम होगा सीरीज है क्योंकि, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 पुट कर देंगे पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था और न्यूमेरिकल काफी इजी कह सकते हैं, काफी इजी बिल्कुल क्वेश्चन है यहाँ पे। What is the potential difference when two point is said to be 1 volt? मतलब कुल मिला के 1 volt की define करना था। 1 volt potential difference क्या होता है कि जब हम 1 coulomb charge को, कितने coulomb charge को, 1 coulomb charge को कहां से कहां तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 joule work done लगता है तो उसको हम 1 volt कह देते हैं, और 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb। तो आई होप कि आपने बिल्कुल सही किया होगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन उससे भी आसान था कि आपको डायमीटर दिया गया था 0.2 mm और रेडियस मिल गया होगा 0.1 mm, तो R की वैल्यू मिल गई। और वहीं अगर हम रेजिस्टिविटी रो की बात करें तो रो कितना हो गया 1.6 × 10⁻⁸ ohm। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर मेक्स इट्स रेजिस्टेंस 14 ohm, और R की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 14 ओम हो गई। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है आर ए अपॉन एल होता है ना भाई, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ रेसिप्रोकल, तो यहां से फॉर्मूला बनता है वैल्यू पुट कर दो, रो की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर यहां पे पुट कर देना, लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब सड़ा सा क्वेश्चन, वैल्यू पुट करके आंसर बस निकालना था। कमेंट करो कितना आंसर आया था इसका, जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर आया था आपका। चलिए, और वहीं ये इजी क्वेश्चन है, ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है तो काफी आसान है, आपसे बन गया होगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर C4, ये भी आ गया होगा। पॉलिनेशन, मतलब क्वेश्चन का लेवल जो था काफी आसान कह सकते हैं, ये काफी इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इमेज का पूछा गया था कि जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है, तो यहां से u की वैल्यू कितनी होगी -10 cm होगी, एंड द फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो 15 cm, और फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब हमें काई की वैल्यू फाइंड करनी थी, भी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1 upon क्या होता है भाई जल्दी से बताओ, f is equal to 1 upon v + 1 upon u, वैल्यू पुट करके यहां से आ जाता। मतलब इस बार मैं कह सकता हूं CBSE ने काफी शानदार पेपर यहाँ पे बनाया है, और आई होप कि आप सभी ने दमदार तरीके से पेपर किया होगा। और कमेंट करके बताइए कि आपके आउट ऑफ 80 कितने मार्क्स आने वाले हैं। चलिए, तो वहीं अगर हम सेट टू की बात करें तो सेट टू भी लगभग वैसा ही पेपर होता है, कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस होते हैं तो आप मैच कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे सेट वन से वो आप कमेंट कर देना, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मतलब सेट टू सेट वन में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, लगभग सेम है, तो आप मैच कर लीजिएगा अपने सेट, जिनका भी जो भी सेट हो, सेट वन सेट टू जो भी सेट थ्री हो, सेट वन हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया है, सेट टू और सेट थ्री आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिए आपका कौन सा क्वेश्चन था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत शानदार गया होगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। थैंक यू सो मच।